الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

किीम क़ुरान ये दर हकीकत तख्लीक इंसान का मकसद है, वो है कि मक़द इंसान जो है तलीम क़ुरान है कि इंसान क़ुरान करीम की तालीम हासिल करे और ये बात आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ अपने मकसद में और अपनी गर्ज़ के अंदर इस्तेमाल होती रहे तो वो कामयाब और कारामत कहलाती है और अगर वो अपने मकसद और अपने गरज़ में इस्तेमाल ना हो तो गोया की चीज़ नाकाम है और ख़ुद खाल के कायनात को भी इंसान से यही मतलूब है कि इंसान दुनिया और आख़रत में कामयाब हो इसलिए पंच वक्ता अल्लाह का मुनादी पुकारता है अल अल हयालफ़लाह आओ कामयाबी की तरफ आओ कामयाबी की तरफ और इस कामयाबी को मुतलक रखा है दुनिया की कामयाबी आख़रत की कामयाबी इनफरादी कामयाबी इज्तिमाही कामयाबी मुल्की कामयाबी रियासती कामयाबी अक्वामी कामयाबी आलमगीर कामयाबी जिस्मानी कामयाबी रूहानी कामयाबी तो कामयाबी का कोई भी फलाह का कोई भी फ़र्द इस कायनात के अंदर मौजूद हो वो यहाँ मतलूब है हयाल फला और कामयाबी की तरफ और इससे पहले फरमाया हयाल फला और नमाज की तरफ और नमाज की तरफ तो सवाल पैदा होता है कि नमाज की तरफ क्यों आए आखिर उससे हमें क्या मिलेगा तो फरमाया कि हयाल फला और कामयाबी की तरफ इसलिए कि नमाज दर हकीकत में कामयाबी का दूसरा नाम है कामयाबी अगर चाहते हो तो नमाज की तरफ आओ क्योंकि नमाज़ अल्लाह तबारक व के कुरब और इबादत का अवलिन रुकन आज़म है चुन्य नमाज की तरफ अगर तुम आ गए तो गो है कि तुम कामयाबी की तरफ आ गए और कामयाबी अल्लाह तबारक व को तालतलूब है और ये बात आप जानते हैं कि नमाज का रुकन आज़म कुरान करीम की तिलावत है क़ुरान करीम की तलावत इस नमाज का रुकन आज़म है रुकन तो क़याम भी है रुकन रुकू भी है और रुकन सईदा भी है लेकिन क़िरात ये रुकन आज़म है अगर क़याम नहीं कर सकते तो तुम बैठ के नमाज पढ़ सकते हो रुकू नहीं कर सकते तो इशारे से कर सकते हो सईदा नहीं कर सकते तो इशारे से कर सकते हो हर एक का मुतबादल मौजूद है लेकिन कुरान करीम तुम्हें कम से कम तीन आयात ज़रूर पढ़नी है अगर तुमने ये कुरान करीम की तीन आयात भी ना पढ़ी तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी तो देखे कि नमाज़ की बुनियाद जो है वो कुरान करीम इसीम है जिसके बारे में मैंने कहा कि क़ुर करीम असल में मकसद हयात है और नमाज ये कामयाबी का दूसरा नाम और नमाज किसके ऊपर बुनियाद है कुर करीम पर कि किरण करीम और किरात का कोई मुतबाद नहीं है इसलिए हमने ये दरस कुरान का सिलसिला शुरू किया और हम शक्र हैं कि रेहम टी कि मैनेजमेंट के कि उन्होंने ये अहतमाम किया कि दरस कुरान और तफसीर कुरान सामने आए और मेरी चाहत ये हुई कि कुर करीम के हक़ और मारफ उसके मतालबूज भी बयान करूँ ताकि अहिल इलम उन जो, जो क़ रखते हैं इलम का उनको लुफ्फ आए और साथ साथ असलाही और इसी तरीके से तजिके के हवाले से भी गुफ्तु जारी रहे तो अलहदुल्ल तो कुरान करीम ये मकसद हयात और जैसे कि पहले दर्श में मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान करीम, करीम की पहली आयत बिसमिल्लरहमानीम है यहाँ से अल्लाह तबारक वाले ने कुरान करीम को शुरू किया है और बिसमिल्ल को बा से शुरू किया कुरान करीम की पहली आयत बाद शुरू हुई और कुरान करीम की सबसे आख़रीत व नास सीन पर ख़त्म हुई बा और सीन को आपस में मिलाएँ तो बन गया बस बस हमारे लिए कुरान करीम हिदायत के लिए काफ़ी है हमें दुनिया की किसी और किताब की तरफ निगाह उठाने की ज़रूरत नहीं हमें तोहरात की उलूम नहीं चाहिए हमें इंजील की उलूम नहीं चाहिए हमें ज़बूर के मताले की ज़रूरत नहीं हमें साफ शीश देखने की ज़रूरत नहीं हमें साफ इब्राहिम देखने की जरूरत नहीं बस ये कुरने करीम हंसबुना किताबल् यह अल्लाह का कुरान हमारे लिए काफ़ी है इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताली ने कायना के सारेमूम बंद कर दिए तो बात बाश शुरू किया और सीन पर ख़त्म कर दिया और दीगर मजामी मैंने गुजशत दरस में अर्ज किए थे आज हम गुफ्तगू करेंगे इ्या कनाब व्याया कनस्तयीन के बंदा कहता है कि तेरी ही हम इबादत करते हैं वह या कन और तुझी ही से मदद मांगते हैं तो गया कि अल्लाह तबारक व ताल के सामने अपनी वफ़ा और अपनी वफ़ा और महब्बत को जिक्र कर रहा है अपनी इतात को जिक्र कर रहा है कि तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझे ही से हम मदद मांगते हैं यहां सवाल यह पैदा होता है कि ईया ना का नाबुदु कहा तेरी ही हम इबादत करते हैं तो ईया का इससे मुराद अल्लाह तबारक व ताला की जात है। काफ़ जमीर मुनफसिल सामने है तो अल्लाह की जात को मुकदम किया और नाबुदु इबादत को वखर किया आखिर इसमें राज क्या है यूं क्यों नहीं कहा कि नाबुदु का हम तेरी इबादत करते हैं ये क्यों कहा कि का नाबुद तेरी ही हम इबादत करते हैं तो ईका को मुकदम याका से मुराद अल्लाह अल्या तबारक व ताल की ज़ात और नाबुदो इबादत हम इबादत करते हैं तो ये क्या बात है कि अल्लाह तबारक व ताल ने अपनी ज़ात को मुकदम किया और बंदे की इबादत को मखर किया इसमें क्या राज है मुफसर फरमाते हैं कि एक राज तो यह है कि खुद अल्लाह तबारक व ताल की ज़ात कदीम है कदीम का मतलब वो शुरू से है अजल से है और अब तक रहेगी अब कभी ख़त्म होने वाली नहीं है हमेशा हमेशा से हमेशा रहेगी कदीम है पहले से है और इंसान ये हादिस बाद में पैदा हुआ है और जाहिर है कि हादिस की जितनी सिफात होगी वो भी हादिस है वो भी बाद में जाहिर होने वाली हैं तो बंदा जब इबादत करता तो बंदे की इबादत भी हादिस है बाद में सामने आने वाली हैं और अल्लाह तबारक व ताली जो मबूद बरहक है वो पहले से है क़दीम है तो कदीम चूंकि पहले से है लिहाजा हक यह कि उसको पहले जिक्र किया जाए और इबादत चूंकि हादसे बाद में वजूद में आई लिहाजा हक यह कि उसको बाद में जिक्र किया जाए इसलिए फरमाए कि ईया का नाबुदू तेरी ही हम इबादत करते दूसरा जवाब ये कि असल में इबादत करना आसान काम नहीं है इसलिए कि इबादत की हकीकत क्या है कि इंसान अपनी बहिमियत और हैवानियत की गर्दन पर कदम रख के खत और मलकूतियत की तरफ करता है क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक बता रहे हैं दो सिफात से बनाया है इसके अंदर बहीत और हेवानियत भी रखी है ये इसके अंदर कु्वत होवाइयाँ है यानी सरकशी की कीवत है कु्वत गज़बिया है गुस्सा और जलाल की क़्वत शाविया है यानि ख़्वाहिश की इसके अंदर कवत है पे शावत बतनिया है यानी पेट का तकाज़ा है खाने पीने का तकाज़ा करता है शावत फ़र्जिया है शर्मगाह का तकाज़ा इसके अंदर मौजूद है तो ये सारी की सारी कु्वतें ये बहीियत की कवते हैं ये हैवानियत की हैं एक हैवान के अंदर भी ये सारी कुवतें पाई जाती हैं जब तक ये बहीत गालिब रहती है तो ये बंदा अपने अल्लाह की तरफ मुतवज़ नहीं होता और इबादत के लिए झुकता नहीं है और दूसरा इसके अंदर खुदियत है मलाकूती फरिश्तों वाला अंदर मौजूद है कि यह बंदा अल्लाह तबारक वाले की इबादत करता है तस्वीर करता है जिक्र असकार करता है अल्लाह तबारक वतालों को याद करता है तो इसके अंदर खुदियत है तो ये दो हैं तो वस्फ है इंसान यह बहीमियत और खुदियत के संगम पर है जब इस पर बहिमियत गालिब आती है तो गुना और मासीत की तरफ दौड़ता है जब इस पर खुदत गालीब आती है तो नेकी और इबादत की तरफ दौड़ता है तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नाम को अपनी ज़ात को मुकदम किया इसलिए ताकि ये अपनी बहिमियत को मगरूब कर दे अपनी बहिमियत की गर्दन पर कदम रख के यह कदूस की तरफ मुतवज़ो हो क्योंकि बहिमियत की जितनी सिफातें ये फ़ित्र हैं खाना इंसान की फितरत है पीना इंसान की फितरत है ख्वाहिशात पूरी करना इंसान की फितरत है और फितरत के ख़िलाफ़ जाना ही आसान काम नहीं अब फितरी कुव्वतों को तोड़ कर तभी तभी तो रमज़ान के अंदर रोजे की कितनी कीमत है क्योंकि यहाँ फितरी कुव्वतों को पामाल करके इंसान को दूसरी तरफ उरूज करता है तो अल्लाह तबारक व ताल फरमाते क्या सोम उदी वा नाजिज़ भी कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है इसका बदला बराह रास्त मैं खुद दूँगा उसका मकाम बढ़ जाता है क्योंकि फितरी कु्वतों को तोड़ कर जाना आसान नहीं और ये फितरी कु्वतों को तोड़ कर ये खुदूसरी की तरफ जाता है तो चूंकि इबादत इंसान के नफ़ों पर शाख है बहीमत तो हवानी तक तकाज़े पामाल करना आसान नहीं था अल्लाह तबारक ने अपनी ज़ात को पहले जिक्र कर दिया महबूब ने अपनी अपने अपने जलवे को पहले दिखा दिया ताकि ये मुहिब और आशिफ़ महबूब को देखे महबूब का दीदार करे तो उसके लिए उसकी इबादत करना आसान हो जाए ज़ायरे को दुनिया के मामूली महबूबों को इंसान देख ले चाची हजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हसन व जमाल का मोजा अता कर रखा था कि बेगमात मिस्र ने जब देखा तो बजाय इसके वो फलों को काटती अपनी उंगलियाँ काट बैठी महबूत हो गई देख कर उनकी हुसन व जमाल को देख कर महबूत हो गई और कहने लगी कि यह आसमान का फरिश्ता है ये ज़मीन का इंसान नहीं है तो सोचने का मकाम कि जिसने यूसफ कोसन जमाल बख्शा उसके अपने हसन व जमाल का क्या आलम होगा जिसने गन्ने के रस में मिठास रखी उसकी अपनी मिठास का क्या आलम होगा जिसने शहद के अंदर शीरीनी रखी उसकी अपनी शीरीनी का क्या आलम होगा जिसे कायनात को वसद बख्शी उसकी अपनी वसत का क्या आलम होगा जिससे आसमानों को बुलंदियाँ आता कि उसकी अपनी बुलंदी का क्या आलम होगा जिससे जैसे कायनात की आबशारों को और दरियाओं के रवानियों को हसन व जमाल बख्शा है उसके अपने हसन जमाल और उसकी कशिश का क्या आलम होगा इसलिए अल्लाह तबारक अपनी ज़ात को पहले जिक्र किया इया का अपनी जात को पहले जिक्र किया ए बंदे तुम मुझ पर निगाह तो डाल तुम मुझ पर मुशाहे की निगाह तो डाल जब मुझ पर मुशाहे की निगाह डालेगा तेरे लिए नमाज़ क्या तेरे लिए अब जान की कुर्बानियाँ देना भी आसान हो जाएगा खून के नजराने बहाना तेरे लिए आसान हो जाएगा मुजाहे के मुजाहे के पसीने के कतरे बहाना तेरे लिए आसान हो जाएगा इसलिए अल्लाह ने ईशिया का ना कहा कि तेरी ही हम इबादत करते हैं यानी अपनी जात को मुकदम करके अपना जलवा हुसन दिखाया इस मोमिन ने अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लिए इसलिए याका को मुकदम किया और तीसरा जवाब यह कि असल में इबादत हदिया और नजराना है जो अल्लाह तबारक वाले के हजूर में बंदा पेश करता है जाहिर है कि हदिया नजराना जिसको पेश करना वो पहले मौजूद तो हो पहले वो मौजूद होगा उससे आपके राह रस्म बढ़ेंगे उससे आपका एक ताल्लुक कायम होगा उसके बाद मुहब्बत से आप नजराना पेश करेंगे किसी से आपको राह ही नहीं है किसी से कोई ताल्लुक नहीं आप हदिया लेके फिर रहे हैं किसको देना है इसलिए पहले वो जात मौजूद होनी चाहिए वो शख्सियत मौजूद होनी चाहिए जिसको आपने हरिया पेश करना है इसलिए अल्लाह तबारक वाले अपने जो मुकदम कर दिया ईया का नाबुदू तेरी ही हम इबादत करते हैं गोया कि जत पहले है अब उस इबादत को हमने इबादत का नजराना उसके हजूर में पेश कर दी इसलिए कहा ईया का, का नाबुदू और चौथा जवाब ये कि असल में इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि बंदे को निगाह मबूद पर रखनी चाहिए अपनी इबादत पर नहीं खुदा पे निगाह रखे वो इबादत पर नहीं अपनी इबादत का नहीं देखे कि मैंने बड़ी इबादत कर ली इस अपने मबूद को देखना चाहिए जब ये मबूद की अज़मत किबरियाई को देखेगा उसकी उसके जाहो जलाल को देखेगा तो ये सोचेगा कि मेरी इबादत की कोई हकीकत ही नहीं मामूली चीज़ है मामूली चीज़ है तो इसके अंदर उजब पैदा नहीं होगा इसके अंदर उजब पैदा नहीं होगा तकबर पैदा नहीं होगा कि मैंने इबादत की है क्योंकि ज़ाहिर के बादशाहों के बादशाह को जब देखा यानी उसकी जात पर निगाह पड़ी तो उसकी इबादत अपनी हकीर लगने लगी क्योंकि उसके शायान शान तो हम इबादत कर ही नहीं सकते ये तो उत, उसका लुफ्फ करम है कि वह सत्तारी के पर्दों में ढां के हमारी इबादत कबूल कर लेते हैं लिखा है कि हज़र हकमत मुजद मिलत मौलाना अशरफ अली थानवी रही तरमाते हैं कि मेरे पास एक खादिम आया तालब इलम उन्होंने कहा जी हजरत थोड़ी देर में आपकी खिदमत करना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि पहले ज़माने में बड़े बड़े पंखे होते थे उसको पकड़ के वो मखदूम को झोलते थे तो मखदूम को भी हवा लगती है और दाएँ बाएँ लोगों को भी हवा लगती थी तो उस खादिम ने वो पंखा ले झोलना शुरू कर दिया तालब इलम ने हजर फरमाते को इतनी बेतमीज़ी के साथ पंखा झोल रहा था कभी मेरे कान में मार देता कभी मेरी नाक पर मार देता क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा पंखा है वो उसको मार्जन अंदाज़ा नहीं होता तो हजरत कह कभी सर में लगता कभी कान पर लगता हजरत कहता कि मैं उसकी खलूस से नीयत देख करके वो मेरी खिदमत करने आया है मैंने सब्र किया मैंने उसको कुछ नहीं कहा अब कभी सर पर मारता कभी मुँह पर मारता है तो मैं बर्दाश्त करता रहा कुछ देर उसे खिदमत की उसके बाद कहा कि हजर इजाज़त है मेरा सबक है मैं जाऊँ हाँ हाँ इजाजत बिल्कुल जाऊँ दिल में सोचा मियाँ निकलो पतली गली से ये तो तूने क्या खिदमत की हमें तो अदाब में मुबला कर दिया अब बिल्कुल कॉन्शियस बैठे गए अभी लगा और अभी लगा ये हालत थी फरमाया कि मैंने उसकी इस अजियत पर सब्र किया तो अल्लाह तबारक व तौर इल्मीम अता फरमायाजीम इल्म अता फरमाया और ये कि हमें अपनी इबादतों की हकीकत अल्लाह तबारक व तालशिप कर दी कि तुम लोगों की इबादतों की हकीकत भी अल्लाह के हजूर में ऐसी ही है हम नमाज़ पढ़ते हैं रोज़े रखते हैं जक़ातें देते हैं हज करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व ताल की शान और किबरियाई जितनी बड़ी है जितनी उसकी अज़मत और जलाल है उसके सामने हमारी इबादतों की हकीकत यही है हम अल्लाह तबारक व ताल की इबादतों की क्या दुरगत बनाते हैं क़्याम की हकीकत क्या बनाते हैं रुको और सईदे का क्या करते हैं तो क्या हम दुर्गत बनाते हैं नमाज और रोज़े की इबादात की मैं कि अल्लाह ही जानता है और अल्लाह तबारक व तैयार की रहमत है कि वह सत्तारी के पर्दे में लपेट के हमें कबूल कर लेते हैं जैसे मैंने उसकी इस अजियत पर सबर किया वो अपने जाम में बड़ा खुश किया कि मैंने हजरत साहब की खदमत की लेकिन हकीकत में वो हजरत साहब से कोई पूछे कि उसने किया है फर मैं कि अल्लाह तबारक व तला की जत भी ऐसी है इसलिए अल्लाह तबारक व तला की जमगा रखेगा आबिद और मबूूद की अजमत जलाल को देखेगा तो उसकी इबादत हकीर लगेगी अरे मैंने दो सईदे की कि क्या कमाल किया अरे मैंने एक महीने के रमजान के रोज़े रखे तो क्या कमाल किया अरे मैंने अगर लाखों अगर जक़त भी बांट दी तो क्या कमाल किया मैंने हज के अंदर लब्बैक अल्लाह लब्बैक के नारे लगाए हज की गर्मी अगर मैंने बर्दाश्त करी तो क्या कमाल किया इसलिए कि वो रब कायन तो वह है कि आसमान के फरिश्ते क्या कायनत के ज़र्रे दरियाओं के पानी के कतरे कतरों में दौड़ने वाले जरसीम ये सब अल्लाह तबारक वालों को पुकारते हैं दरख्तों के पत्ते पढ़े सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह की तस्वीर करते हैं कायनात की फिजाएं अल्लाह तबारक व ताल को याद करती हैं मेरी इबादत की क्या हकीकत है अल्लाह तबारक व ताल को पुकारने वाले तो बहुत हैं तो उजब नहीं आता तो गो कि उसके दिल में ये उजब और खुद पसंदी नहीं आती अरे हमने इबादत की इसलिए फरमाया कि ईया का मैं कर दिया और उसके बाद पाँचवा जवाब ये फरमाया कि ईया का मफूल मुकदम है। और नाबुदू उसके बाद है तो मफूल को जब मुकदम किया जाए तो यह हसर का माना देता है हसर का मतलब वही जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ कि ईया का नाबुदू तेरी ही हम इबादत करते हैं इस हसर के अंदर अल्लाह तबारक वाले ने शिरक को काट दिया है इसलिए कि जैसे पहले दर्श में मैंने बताया कि क्या क्या मुशरकाना अकायद इस काय के अंदर मौजूद है तो गोया के छः सात किस्म के मुश्रकाना अकायद कायनात में मौजूद कोई चाँद को पूजने वाला कोई सूर्य के सामने सजदे करने वाला कोई सितारों को जय देवता मानने वाला कोई फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कह के उनको सजदा करने वाला कोई दरियाए की रवानियों को देवता मानने वाला कोई दरख्तों की पूजा करने वाला कोई आग को खुदा समझने वाला तो कोई इंसानों को खुदा बनाकर उनके सामने सजदे करने वाला तो गोया के कायन के अंदर माबूदा ने बातें लगे हुए हैं एक अंबार है इस शिरक का तो अल्लाह तबारक वाल ने आका को मुकदम करके उस शिरक के सारी की सारी जड़ें काट दी कि बंदा यह कहता है ईयाका का बुध तेरी ही हम इबादत करते हैं ही इबादत करते हैं इसका मतलब किसी और की इबादत नहीं करते गोहे कि हम मवाहद हैं और तोहेद के अला मुकाम पर फायज होकर अरे बकरीम तेरे सामने से करते अगर कहते हैं ना का इसका तर्जमा हम तेरी इबादत करते हैं तेरी इबादत करते हैं किसी और की करते हैं यानी उसकी नफ़ी नहीं है तो मतलब कि किसी और की भी करते हैं तेरी इबादत कर तेरी, तेरी ही इबादत करते हैं इसका मतलब तेरी अच्छा ही करते हैं तेरी भी नहीं तेरी भी इबादत करते अगर कहेगा तो ये मुशरिक है इसलिए कि अल्लाह की भी इबादत करता है और मुशरिक को मुशरिक कहते है इसलिए हैं कि वो अल्लाह को भी माबूद मानता है लेकिन अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ किसी और को भी शरीक ठहराता इसलिए यहां पर इस को मुकदम कर कह दिया ईया का ना तेरी ही हम इबादत करते हैं। उसके बाद कहा था नाबुदू हम तेरी इबादत करते हैं जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया हालांकि हर बंदा अपनी अपनी इबादत करता है ईया का आब्धू होना चाहिए था तेरी ही मैं इबादत करता हूँ हर बंदा अपनी अपनी इबादत की बात करे लेकिन यहां पर फरमाया कि इया का हम तेरी ही इबादत करते हैं तो जमा का सीखा क्यों इस्तेमाल फरमाया अकेला नमाज पढ़ रहा है तो भी कहता अया का ना हम तेरी ही इबादत करते हैं हालांकि अकेला नमाज पढ़ रहा है इज्तिमाही नमाज पढ़ रहा है तो भी कहता इया का ना हम तेरी ही इबादत करते हैं तो आखिर ये जमा का जो सीगा लाए इसमें क्या राज है? उसका एक जवाब यह कि असल में पहले जो फरमाया था अलहदुल्ल रबी आलमीन रब्बी आलमीन सारे जहानों को पालने वाला है सारे जहानों का मुरबी है और जहान कितने हैं इस आलम में एक रिवायत में आता है अबू हुरर रजी अल्लाह रिवायत है फरमाया कि इस कायनात के अंदर जो है पैंतीस हजार जहान है पैंतीस हजार पैंतीस और दूसरी रिवायत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह त फरमाया कि पचासी हजार जहान है एटी फाइव थाउजेंड ये एक जहान है ये दुनिया ये एक जहान है अल्लाह तबारक वाल के पचासी हज़ार जहान हैं और आज तो साइंस टेक्नोलॉजी ने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये जो यूनिवर्स इसके अलावा और बहुत यूनिवर्स हैं उनके निशान पते मिलते हैं वह नबी पाकली फरमाया कि पचासी हज़ार जहान तो रब्बालमीन सारे जहानों का पालने वाला है जब सारे जहानों का पालने वाला एक वाद अल्लाह तबारक व ताल है तो फिर सारे जहानों पर लाजिम है कि सारे जहान उसी वाद की इबादत करते हो सारे जहान उसकी इबादत करें इसलिए कहते हैं इया का ना तेरी ही हम इबादत करते हैं तो गोह के बंदा ये कहता हम सारे जहान जितने भी हैं आलम इंसानियत है आलम जिन्नात है आलम मलाइका है आलम हवानात है आलम आसमान है आलम ज़मीन है कायनात के जर्रे जर्रे के जितने जहान हैं सारे के सारे जहान अल्लाह तेरी इबादत करते और आप जानते हैं कि इबादत हकीकी माना में अगर कोई इबादत है वो नमाज की इबादत इबादत है इसलिए कि इबादत ताबुत से है और ताबुत है तजल्लुल अपने आप को जलील करना अपने आप को है वो झुका देना तो इबादत की इबादत इसलिए कहते हैं कि बंदा अपने आप को अल्लाह तबारक व के सामने झुका देता है अपने आप को उसके सामने जिल्लत इख्तियार करता है ये ये सर का उठा हुआ माथा उसको इतना झुका देता, देता है इतना झुका देता है कि पाँव की पस्ती के बराबर कर देता कहाँ अल्लाह ने पाँव ज़मीन पर रखे माथे को आसमान बना दिया लेकिन ये अल्लाह के सामने ऐसी जिल्लत इख्तियार करता है जब सजदे में गिरता है इसका सर का माथा उसके पाँव बराबर हो जाते बस तभी तो हदीस में आता है कि जब सजदे में बंदा जाता है तो अल्लाह तबारक वताला उसको इतना बुलंद कर देते हैं कि उसका सर अल्लाह तबारक वताल के कदमों में होता है इसलिए कि मन तो रफा अल्लाह इसलिए कि जो अल्लाह के लिए झुकता है तोज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक वताल उसको बुलंद कर देते और इतना बुलंद किया कि रूहानी मेराज या फरमा दी रुण, और ईमानी एतबार से मेराज के सफर पर चला गया यहाँ तक अल्लाह तबारक वाल के कदमों में सहीदा करके आया तभी तो नमाज में वापस लौट के कहता है असलामैक्म वरम्तुल्लाम व्ल ये सलाम इसलिए करता है कि दूसरे जहान से आकर वापस पहुंचा हूं अब मुसाफिर एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं इसलिए फरमाया तो गोया कि सारे जहान और पूरे जहान के अंदर गोया कि मैंने कहा असल इबादत नमाज है और असल इबादत नमाज कैसे है और अजीब बात यह है कायनात की हर मखलूक अल्लाह की नमाज पढ़ती है नमाज पढ़ती है सलात इसलिए कि नमाज के अरकान आप जानते हैं क़्याम है रुकू है सज़दा है तशाउ है तस्बियात हैं ज़िक्र अजकार हैं सला सलाम हैं अताहियात हैं ये सारे के सारे मजमूए का नाम क्या है नमाज है और आप अगर कायनाती इंसानी पर नजर डालें तो हर मखलूक को अल्लाह तबारक व ताली ने नमाज़ का कोई ना कोई रुकन दे रखा है क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि नमाज ये हकीकी माना के अतबार से इबादत है क्योंकि इबादत में तजल्ल चाहिए रोज़ा रोजे में ज़िल्लत नहीं है इसलिए रोज़ा कहरे नफ्स है नफ्स को तोड़ना खाने पीने से बेपरवाह ख्वाहिशाह से बेपरवाह इसके अंदर गिना पाया जाता है एक तरह का गिना पाया जाता है इंसान खाने पीने से मुसगनी यही वजह कि अल्लाह भी रोज़ा रखता है गोया के गल्ला खाते नहीं पीते नहीं हैं है कि अल्लाह खाने पीने से बेपरवाह ये उसकी गिना और बुलंदी है वही खुलक हम इख्तियार करते हैं हम खाने पीने से बाज आ जाते हैं तो इसमें कौन सी जिल्लत की बात है इसमें तो बड़ाई की बात है तो रोजे में जिल्लत का मफहम नहीं ज़कात हज ज़कात के अंदर माल तकसीम एता माल अता है अता और अता के अंदर भी बड़ाई है ज़िल्ल की बात नहीं है और अल्लाह तबारक व ताले भी अता करते हैं अता करते हैं तो अता अल्लाह का वस्फ़ है और अल्लाह के किसी वस्फ़ के अंदर जो पस्ती नहीं है ज़िल्लत नहीं बुलंदियाँ हैं लिहाजा अल्लाह करते हैं बंदा भी वो खुरक इख्तियार करता है तो इसमें कोई ज़िल्लत का मफूम नहीं इसी तरह हज है और हज के अंदर तो इंसान इतना मुस्तगनी होता है कि अपने पहनने के कपड़े और पहनने के जूतों से भी मस्तगनी होकर वह दीवाना वार अल्लाह तबारक व ताल दरबार की तरफ दौड़ता है लबाइक अल्लाम लबाइक लब ला शरीक लब्क इनमदा वन न मतल शरीक लग ये कहता वो दौड़ता है तो गोह कि सब इबादतों के मुफोह में इस्तगना पाया जाता है उस किसी में जिल्लत का वफूहू नहीं लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक वाल उसको इबादत करार दे दिया हुक्म दे दिया इसलिए वो इबादत है फ़र्ज़ हम उसको पूरा करते हैं लेकिन इबादत का जिल्लत का हकीकी जो मफोम है सिर्फ़ नमाज में पाया जाता है और नमाज पूरे आलम के अंदर अल्लाह ने तकसीम कर दी है इस पर इंशाला मैं गुफ्तु करूँगा तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए इन शाला अगले प्रोग्राम में फिर इनशाला इस पर गुफ्तू करेंगे अल्लाह तबारक व ताल आपको जदाय ख़ैर दे और हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली जो हमने मताली मार्फ हक़ पेश किए हैं उसमें कोई कमी को कोत लफजी हो गई हो अल्लाह तबारक ताली माफ़ फरमाए और कोशिश यही है कि अल्लाह तबारक व ताल के कलाम के साथ हमें एक रबत पैदा हो जाए ये और लोगों मारफ भी बयान करें उनके इसी तरीके से नसाए और इसलाह की बातें भी सामने आ जाएँ ताकि हमारे क़र करीम का हकीीकी नू